मुझे ये पूछनी थी कि लाइक like, uh, मैं मल्टीपल uh, फील्ड्स में मीडियम हूँ लाइक मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्ट बनना है लाइक like, मैं टीचिंग भी करती हूँ मैं चॉकलेट्स भी बनाती हूँ हैंडमेड और मैं अभी इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ जॉब भी कर रही हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्ट होना है वो मैं कैसे हो सकती हूँ तो आप दो जॉब एक साथ कैसे कर रहे हो एक इंटीरियर डिजाइनिंग की आप जॉब कर रहे हो और साथ में टीचिंग भी कर रहे हो टीचिंग एज एन मैं ट्यूशन देती हूँ

ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि अल्टीमेट मोटिव क्या है कि परफेक्ट तो क्या पैसा कमाने के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ता है क्या ये रियलिटी है या आपकी अपनी इमेजिनेशन है परफेक्ट होंगे तो वो काम हम अच्छे से करेंगे अपना बेस्ट दे पाएंगे उस चीज में परफेक्शन किस चीज में चॉकलेट को बनाने में या चॉकलेट को मार्केट करने में दोनों अलग अलग, अलग चीजें हैं आप मेरी बात को ध्यान से सुनना ध्यान से समझना बिकॉज वी नेवर लुक एट इट लाइफ इन सच अ वे हम क्या समझते हैं कि अगर चॉकलेट बनाने में मैं परफेक्ट हो गई तो एकदम से पैसा आने लग जाएगा ऐसा नहीं होता है एक है चॉकलेट को बनाना एक है उसकी पैकेजिंग उसकी मार्केटिंग उसकी सेल्स कि वो बिकेगी कैसे रिपीट ऑर्डर्स कैसे आएंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे अगर आप इस फील्ड में हैं चॉकलेट मेकिंग में क्योंकि ये बहुत चल रहा है आज के डेट में yes. मतलब इस इसपे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी लोग करा रहे हैं और करा रहे हैं वो सब बहुत कुछ हो रहा है तो आप बहुत ऐसे लोगों को जानते हो sure, जो चॉकलेट आपसे अच्छी नहीं बनाते हैं लेकिन पैसा आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं चॉकलेट में क्या मैं ठीक yes, yes, कह रहा हूँ गलत कह yes. रहा हूँ तो परफेक्शन इज नॉट द राइट गोल फॉर एग्जाम्पल वेन आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी वर बेटर फोटोग्राफर्स देन मी बट मैंने किसी अलग तरीके से किया तो डाउन द लाइन फाइनेंशियली मैं उनसे बहुत आगे निकल गया तो ये जो गलत है पहले उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड दैट इज चॉकलेट मेकिंग तो यहां पे जो आपको स्किल्स चाहिए वो बहुत अलग है उससे जैसा कि आप सोच रहे हो okay. बनानी तो आपको आती है मेन mm -hmm. है उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे बेचोगे कैसे पैकेजिंग कैसे करोगे उसको प्रेजेंट कैसे करोगे ऑनलाइन बेचोगे ऑफलाइन बेचोगे दैट इज अग क्वेश्चन मार्क क्योंकि जो कस्टमर है उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर पाना हैंडमेड चॉकलेट्स में इज नेक्स्ट टू इम्पोसिबल अगर तो कोई ब्रांड हो तो बात अलग है बट उससे तो आप कॉम्पीट ही नहीं कर रहे yes, yes. तो आप हैंडमेड में जा रहे हो तो अब उसमें क्या किया जाए कैसे किया जाए दैट्स यू नीड टू फिगर आउट तो लेट गो ऑफ दिस गोल ऑफ परफेक्शन क्योंकि ये क्या होता है हम खुद ही अपने लिए एक बैरियर बना लेते हैं और जिंदगी भर उस बैरियर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं मतलब आपने अपने लिए एक ऐसा अनरियलिस्टिक बैरियर बना लिया कि मुझे चॉकलेट मेकिंग में परफेक्ट होना है जो कभी भी नहीं होगा नहीं। क्योंकि आप दस लोगों को खिलाओगे चाहे आज खिलाओ चाहे सौ साल बाद खिलाओ दस में से दो चार लोग तो कहेंगे कि मजा नहीं आया तो इसका मतलब क्या जब परफेक्ट नहीं, तो नहीं हुए तो आगे कुछ करोगे नहीं तो परफेक्शन को अपना गोल मत बनाओ सक्सेस को बनाओ या अपने लिए गोल को पहले प्रॉपरली डिफाइन करो अगर तो आप शौक के लिए बना रहे होते तो मैं कहता हाँ गुड गोल आप उसको प्रोफेशन की तरह देख रहे हो तो भी रहे उससे थोड़ा अलग तरीके से करें तो और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पे बहुत स्कोप है लेकिन उसको भी अच्छे से नहीं कर रहे तो वहां भी स्कोप नहीं है तो स्कोप होता नहीं है किसी भी फील्ड में स्कोप क्रिएट करना पड़ता है तो जो चॉकलेट मेकिंग है इसमें आपको चॉकलेट मेकिंग नहीं सीखनी वो तो आ गई आपको कितना टाइम हो गया क्योंकि तीन साल। तीन साल। तीन साल तो 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 जिसको उसके बारे में नहीं पता या तो कोई एक्सपर्ट हो ना उसमें कि वो उसके सामने चार तरह की चॉकलेट रखी है और वो खा करके बता दे हाँ दिस इज बेटर नो 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 दिस इज नो द टेस्ट इट्स नॉट दैट गुड गिफ्ट कर देते हैं दिवाली <laughs> पे बहुत आ गई यही है ना एक्चुअल जो कस्टमर है, yes, है उनको तो पता ही नहीं कि क्या है उनको बस ये पता है चॉकलेट है <laughs> तो आप उसमें ऑलरेडी परफेक्ट हो तो इट एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई अब आ गई दूसरी प्रॉब्लम अगर इस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग यू नीड टू लर्न पैकेजिंग यू नीड टू लर्न ब्रांडिंग यू नीड टू लर्न हाउ टू अप्रोच पीपल यू नीड टू लर्न हाउ टू टॉक टू पीपल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शुरुआत कहां से होगी शुरुआत होगी फ्रेंड से रिलेटिव से अब वो क्यों आपसे चॉकलेट लेंगे और वो आगे रिकमेंड क्यों करेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसमें अलग क्या है क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पर्सनलाइज चॉकलेट्स बनाओ बनाती हूँ सर उसमें क्या अलग हो सकता है क्योंकि अगर आप बनाते हो तो और भी बनाते होंगे हाँ जी तो अब क्या अलग ऐसा हो सकता है जो कोई और ना करता हो सोचो इस तरीके से दिमाग लगाओ मे बी आई थिंकिंग लाउड राइट नाउ अगर मैं आपकी जगह तो मैं क्या करूंगा आपकी फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में जिसकी भी एनिवर्सरी हो उनके नाम के साथ में मतलब नेहा और साथ में हार्ट बना हुआ है और अमित ये आपने बनाया बढ़िया सी पैकिंग करी जिसको दिया उसने फोटो खींची उसके साथ में और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर पोस्ट किया और आपको टैग कर दिया तो अगर आपने पचास लोगों को फ्री में दे भी दी इस तरीके से बना करके तो आपका क्या गया कुछ भी नहीं <laughs> बट आपकी मार्केटिंग हो गई क्योंकि अब उनके थ्रू जो लोग आगे आएंगे उनसे तो आप पैसे लोगे ना तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो मतलब थिंक अबाउट डूइंग समथिंग इन सच अ वे जिस तरीके से और कोई ना कर रहा हो okay. अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो यू नीड टू रियली डू थोड़ा सा अलग या और उसे बहुत अलग तभी आगे बढ़ पाओगे नहीं तो बहुत कॉम्पिटिशन है नाउ थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट इज कि आपका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है यानी आने वाले पांच साल बाद दस साल बाद बीस साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो क्योंकि चाहे आप इंटीरियर करो चाहे टीचिंग करो चाहे चॉकलेट बनाओ स्ट्रगल तीनों तरफ है अगले तीन चार साल तक ओवरनाइट कहीं कुछ नहीं होने वाला है जी। तो जब दो तीन साल चार साल तक मेहनत करनी ही है तो ऐसी जगह करी जाए ना कि जिसके बाद में पूरी लाइफ अगर आपको वो काम करना पड़े तो आपको बर्डन की तरह ना लगे उसका रास्ता फिगर आउट करना शुरू कर दो मतलब कि अपना सारा फोकस उठा के उस एक जगह पर डाल दो बाकी काम करो अगर मजबूरी है तो यानी जॉब करो अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो अगर नहीं है और अपने आप को आप देखते हो कि भाई आने वाले दस साल बाद बीस साल बाद के इफ आई मेकिंग चॉकलेट मेरी अपनी टीम है छोटी सी और एक बेकरी है यहां पे मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ वट अगर इस तरीके से अपने आप को देख रहे हो और जॉब की जरूरत नहीं है तो आप जॉब छोड़ सकते हो है तो साथ साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे ये कर सकते हो कुछ क्लैरिटी आ रही है आपको जी इससे क्या बताइए यही कि आ, हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है जिस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी उस चीज को वही ग्रैप करूं हाँ और आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा बहुत सारे फेलियर्स आएंगे इन अदर वर्ड्स अगर आप फेलियर से डरते हो बिकॉज द मोमेंट यू यूज दिस वर्ड परफेक्शन आपको फेलियर पसंद नहीं है क्योंकि तभी यह वर्ड आ रहा है परफेक्शन यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट तो आपको हजारों चीजें ट्राई करनी होंगी अलग अलग तरीकों से जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया ऐसे बहुत कुछ करना होगा उसमें से कुछ काम करेगा कुछ नहीं करेगा बट इवेंचुअली आपको होना चाहिए कि अगर मैं इस बात पर चलती रही यानी ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बट इट हैज टू बी वन पॉइंटेड फोकस अगर आप ये सोचोगे मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ तो कहीं कुछ नहीं होने वाला ऐसी पूरी लाइफ निकल जाएगी और कुछ आपको क्लैरिटी आई और कुछ आप कहना चाहेंगे कुछ शेयर करना चाहेंगे जो भी मैंने कहा उसके बेस पे बस बहुत है <laughs> इतना काफ़ी है ठीक है प्लीज़ है